ठीक है जी। तो स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग एंड शेपिंग रह गए थे, जिसमें अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग एंड शेपिंग की बात करते हैं, तो स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग शेपिंग में सबसे पहले एक्सेस आ जाता है, ठीक है, फिर प्री फ्लेयरिंग आ जाती है। ठीक है, एक्सेस में यही है कि जब आपने एक्सेस करना है तो आपने राउंड बर्ड से चैम्बर ओपन करना है, उसके बाद आपने एंडोजीबर लेना है, एंडोजीबर से आपने रूफ रिमूव करनी है। ठीक है, रूफ रिमूव करने के बाद आप कोरोनल पार्ट ऑफ द कनाल को आप वाइडन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइदर गेट्स क्लेडनबर और एनी ओपनर काइंड ऑफ थिंग लाइक एन एसएक्स, जिसका टेपर ज्यादा होता है और टिप डायमीटर छोटा होता है, उससे यूज करेंगे। ठीक है, एंड दैट विल बी इन दैट विल बी डन आफ्टर स्काउटिंग। ठीक है जी, तो स्काउटिंग करने के बाद, प्री फ्लेयरिंग करने के बाद आप पेटेंसी करेंगे। पेटेंसी का मतलब ये होता है कि आप एपिकल एरिया में 1 से 2 मिलीमीटर 10K फाइल लेकर जाए, 10K या 15K फाइल पैसिवली लेकर जाएंगे और आप उसको एपिकली क्रॉस करवाएंगे ताकि वहां पे आपकी कोई डेब्री अक्यूमुलेट ना हो। अगर आप नहीं करवाते हैं तो नीचे डेंटिनल डस्ट जमा हो जाती है और उसकी वजह से पेटेंट नहीं रहती किनाल। ठीक है जी, देन कमिंग टू वर्किंग लैंड डिटर्मिनेशन। वर्किंग लैंड डिटर्मिनेशन बहुत सारी चीजों से की जा सकती है। वर्किंग लैंड डिटर्मिनेशन की जा सकती है इसके रेडियोग्राफ से की जा सकती है, टेक्टाइल सेंसेशन से भी की जा सकती है, पेशेंट रिस्पॉन्स से भी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पेपर पॉइंट भी लोग करते हैं और एपेक्स लोकेटर से भी की जाती है। सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है या अब करनी चाहिए वो एपेक्स लोकेटर के थ्रू करनी चाहिए, लेकिन एपेक्स लोकेटर का मसला ये कि एपेक्स लोकेटर जो है वो दो कंडीशन में काम नहीं करता। किन दो कंडीशन में एपेक्स लोकेटर काम नहीं करता? वेट कंडीशंस में तो काम करता है, न्यू जनरेशन एपेक्स लोकेटर्स कैन वर्क इन वेट कंडीशंस, बट कौन सी दो कंडीशन में जहां पे एपेक्स लोकेटर आप यूज नहीं कर सकते? या वो एपेक्स लोकेटर ओपन एपेक्स के केसेस में या रूट रिजॉर्प्शन के केसेस में या इमेच्योर रूट्स के केसेस में आप नहीं यूज कर सकते। वहां पे आपको बेहतर ये होगा कि आप उससे साथ में उसके रेडियोग्राफ को भी करें। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं एपेक्स लोकेटर्स पे। तो एपेक्स लोकेटर्स प्री प्लानिंग के बाद पेटेंसी हो गई। ठीक है, पेटेंसी में हम बात कर रहे हैं एपेक्स लोकेटर्स की। ठीक है जी, एपेक्स लोकेटर्स जो हैं वो नॉर्मली एपेक्स को लोकेट करते हैं इस तरह के करंट जो होता है वो सबसे पहले एक कॉर्ड होती है जो कि लिप पे लगा लेते हैं, पेशेंट के हाथ में पकड़ा देते हैं। ज्यादातर अगर लिप पे लगाते हैं तो ज्यादा लिप क्लिप जो लगाते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है और आपकी एक फाइल के ऊपर एक कॉर्ड एक फाइल के ऊपर लगा दी जाती है। ठीक है जी, करंट चल रहा होता है दोनों में, जैसे ही नीचे जाते हैं आप कनाल के अंदर जाते रहते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं तो जो करंट की रेजिस्टेंस होती है वो कम होती जाती है एज यू मूव टूवर्ड्स द एपेक्स, क्योंकि याद रहे कि आपने एक लिप के ऊपर लगाया है या चीक के ऊपर लगाया है। ठीक है, वो भी म्यूकोजा है और जब आप एपिकल एरिया में जा रहे हैं तो एपिकल एरिया में जैसे जैसे आप म्यूकोजा के करीब जाते जा रहे हैं वैसे वैसे रीडिंग आपकी जो शो कर रहा है वो कम रीडिंग शो कर रहा है। एक्चुअली वो मिलीमीटर्स नहीं होते जो 0.1, 0.2, 0.3 शो करते हैं, वो मिलीमीटर्स नहीं होते, वो रीडिंग होती है या वो रेजिस्टेंस होती है या वो इम्पीडेंस होती है या वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसी बेसिस पे एपेक्स लोकेटर्स को डिफरेंट जनरेशंस में डाल दिया गया। ठीक है, एपेक्स लोकेटर्स की टोटल जो जनरेशन हमें पता होनी चाहिए वो 4 जनरेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जनरेशन 1 किस चीज के ऊपर बेस्ड है ये भी हमें पता होना चाहिए। जनरेशन 1 किस चीज के ऊपर बेस्ड है, कौन बताएगा? रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, यानी के रेजिस्टेंस जैसे ऐसे कम होती जाएगी वैसे वैसे वो रीडिंग आपको देता जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो जनरेशन 2 है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इम्पीडेंस के ऊपर बेस्ड है। ये भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही होती है लेकिन इसमें दो करंट चल रहे होते हैं तो फिर वो इम्पीडेंस के तौर पर आता है। खैर, मैं इसकी इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, एपेक्स लोकेटर्स की डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल जाएगा एंड आई डोंट वांट कि मैं इसकी डेप्थ में चले जाऊं। सारी फिजिक्स है
और आप लोग को बस इतना याद रखना है कि जनरेशन वन रेजिस्टेंस बेस्ड है, जनरेशन टू इम्पीडेंस बेस्ड है, जनरेशन थ्री फ्रीक्वेंसी बेस्ड है और जनरेशन फोर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। ठीक है, तो जनरेशन वन हो गई रेजिस्टेंस बेस्ड, ठीक है, जनरेशन टू हो गई इम्पीडेंस बेस्ड, जनरेशन थ्री हो गई फ्रीक्वेंसी बेस्ड और जनरेशन फोर हो गई मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बेस्ड। अच्छा, अब एमसीक्यू के हवाले से मैं थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा ताकि आप लोगों का जहन भी खुले। ये जो हम यूज करते हैं एपेक्स लोकेटर्स, वो डायरेक्ट करंट होते हैं क्या ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड होते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड होते हैं। पहले डायरेक्ट करंट बेस्ड होते थे कि शुरू से ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड है? पहले डायरेक्ट करंट बेस्ड होते थे। बिल्कुल, लगता है आपने कहीं और से भी पढ़ा है टॉपिक को। अच्छा, तो डायरेक्ट करंट कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट करंट बेस्ड है ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड है? किसी ने डायरेक्ट करंट बेस्ड वाला यूज किया है कभी? डायरेक्ट करंट बेस्ड वाला किसी ने यूज किया? अगर यूज किया तो काइंडली मुझे बताएंगे किस तरह पता चलता है कि डायरेक्ट करंट है ये, क्योंकि मैंने यूज किया है डायरेक्ट करंट वाला। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में डायरेक्ट करंट वाला ही था। अच्छा, किसी ने ये महसूस किया है कि जब आप वर्किंग हैंड ले रहे होते हैं और नीचे पल्प पड़ा होता है तो पेशेंट को एकदम झटका सा लगता है और पेशेंट एकदम से शॉक होता है, पेशेंट को एक काइंड ऑफ ऐसा लगता है जैसे पेशेंट को करंट लगा है? कभी ऐसा किसी ने महसूस किया है अपनी प्रैक्टिस में? नहीं सर, ऐसा नहीं महसूस किया। तो जब भी डायरेक्ट करंट वाला होता है तो डायरेक्ट करंट में पेशेंट को शॉक लगता है क्योंकि डायरेक्टली करंट लग रहा होता है उसमें, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं लगता। इसीलिए डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिंग करंट की तरफ रुझान हो गया। पहले डायरेक्ट करंट वाले थे, अब ऑल्टरनेटिंग करंट वाले हैं। ठीक है जी, तो ये फर्क था डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज करने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं थर्ड जनरेशन वाले? 1 to 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया कि अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के तो ये एपेक्स लोकेटर्स की बात कर ली, इसमें किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। सर, जो आईएमएम में क्वेश्चन आया है 10 नंबर का, तो उसमें ये उतना ही लिखना है जितना पीओपी में? क्या सवाल आया था एपेक्स लोकेटर्स के बारे में? सर, आईएमएम में आया है ना? जी जी जी। तो अच्छा, एपेक्स लोकेटर के बारे में, सबसे पहले आपको एपेक्स लोकेटर का फंक्शन जो किताब में लिखा हुआ है ना, पीओपी में लिखा हुआ है, आपने बस उतना ही लिखना है। पीओपी में ज्यादा नहीं लिखा हुआ, पीओपी में कम ही लिखा हुआ है। आपने ये पीओपी में ये भी सारी बातें नहीं लिखी हुई, रेजिस्टेंस बेस्ड, इंपीडेंस बेस्ड, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बेस्ड, ये भी इस तरह नहीं लिखा हुआ। मैं ये निकाला गया है डिफरेंट किताबों से, इसीलिए ये ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर क्या है, कि वो करंट बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जब आपका सर्किट पूरा हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर्किट पूरा होने लगता है तो उसकी रीडिंग कम होती जाती है, जैसे ही सर्किट पूरा हो जाता है तो उसकी रीडिंग पूरी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि एपिकल कंस्ट्रक्शन को नहीं बताता, ये एपिकल फोरामेन को बताता है। एक ये बात इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड होता है, ये बात भी लिख सकते हैं। इसमें यह है कि आप एक लिप क्लिप यूज करते हैं और एक जो है फाइल के ऊपर क्लिप लगाते हैं, दोनों का जब सर्किट कंप्लीट होता है तब वर्किंग लेंथ अचीव हो जाती है, 0.0 की रीडिंग होती है। ये सारी बातें आप इसमें अगर लिख देंगे तो मेरे ख्याल से तो नंबर मिल जाते हैं। सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी।
वो ये है कि अगर हम एपेक्स लोकेटर यूज करते हैं तो जो हमारे पास वर्किंग लेंथ आती है, तो क्या हम उस वर्किंग लेंथ में से जो है 2 mm या 1 mm या 1.5 mm अप्रोक्सीमेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि माइनर एपिकल कंस्ट्रक्शन तक हमारी जो है ऑब्जर्वेशन की जो लेंथ है वो हो? नहीं, देखें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेडियोग्राफिक एपेक्स अलग होता है और एक क्लिनिकल एपेक्स अलग होता है, ठीक है। जो रेडियोग्राफिक एपेक्स होता है वो एक सही डिपिक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लें कि रेडियोग्राफिक एपेक्स अलग चीज है, इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर आपको मेजर एपिकल फोरमेन का बता रहा है, ठीक है। जबकि रेडियोग्राफिक एपेक्स में अक्सर मेजर एपिकल फोरमेन जो बता रहे होता है, रेडियोग्राफ बता रहा होता है एपेक्स, वो मेजर एपिकल फोरमेन नहीं होता, यू आर आउट ऑफ द एपेक्स। तो अगर आपको एपिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता रहा है एपेक्स लोकेटर और एपिकल फोरमेन के बारे में बता रहा है, जाहिर सी बात है वो जगह बताएगा जहां पे रेजिस्टेंस जीरो होगी, यानी कि जहां पे मसूड़ा शुरू होगा, यानी कि जहां पे सॉफ्ट पार्ट टिश्यू शुरू होगा वो बताएगा वो, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि मुझे एपिकल कंस्ट्रक्शन का खत्म करना है, तो उसका बहुत आसान तरीकेकार ये होता है कि जब भी आप प्रिपेरेशन करते हैं तो प्रिपेरेशन में आप प्रिपेरेशन तो एपेक्स लोकेटर की जहां 0.0 रीडिंग होती है वहां तक करते हैं इन नॉर्मल केसेस, इन केसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है, इन केसेस ऑफ एम रॉन्ज या बी रॉन्ज मेडिकेशन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉज या बी रॉन्ज बोन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉज, ठीक है। दोनों इन केसेस में आपको रीडिंग को एपेक्स लोकेटर की रीडिंग को पहले से प्रीसेट कर देना होता है कि वो 0.5 से नीचे जाएगी तो बीप करेगी, या प्रीसेट ना भी करें तो आप 0.0 पे ना लेकर जाएं उसको, क्योंकि इन केसेस में यू डोंट हैव टू क्रॉस द एपेक्स, ठीक है। तो आप वैसे भी ऑब्जर्वेशन जब आप कर प्रिपेरेशन आप नॉर्मल केसेस में जो एपेक्स लोकेटर 0.0 बता रहा है उधर तक ही करें आप, ठीक है। लेकिन आपको जहन में ये रखना है कि आपने फाइनली जो ऑब्जर्वेशन करनी है उसमें आपने 0.5 मिलीमीटर शॉर्ट रखनी है। अब वो किस तरह रखेंगे, आपने 0.5 मिलीमीटर, मैं करता ही हूँ 0.5 मिलीमीटर जीपी को कट कर देता हूँ एपेक्स से, ठीक है। फिर एमएफ का एक्सरे लेता हूँ ताकि मेरे एमएफ के एक्सरे में भी जो है वो जीपी भी क्रॉस ना हो रही हो और मैं विद इन द कनाल लिमिट्स हूँ। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी विद इन द कनाल लिमिट्स। और जो आपको नजर आती है ऑब्जर्वेशन, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि बिल्कुल वो रेडियोग्राफिक एपेक्स की टिप पे होती हैं, आई एम अगेंस्ट दैट और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। व्हेन यू ट्राई टू बी राइट एट द एपेक्स, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस देखा गया है कि वो 4 साल में 5 साल में 6 साल में वो लीजन के साथ आ जाते हैं, क्योंकि याद रहे कि पेशेंट को दर्द भी बहुत होता है। यस, पेशेंट को दर्द भी बहुत होता है। ये बात तो आप जहन में रख लें, जो पेटेंसी जो लोग करते हैं ना, पेटेंसी मैं भी करता हूं, उन पेशेंट्स को पहले विजिट के बाद पेन होगा। आपने 10 मिलीमीटर की फाइलिंग 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर अगर क्रॉस किया है तो 1 मिलीमीटर क्रॉस करने के चक्कर में हम 1 मिलीमीटर क्रॉस नहीं कर रहे होते, हम ज्यादा ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर ले और इन पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से एक जिसको कहते हैं ना साइकोपैथ की तरह इसको फॉलो करें, तब तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, ठीक है। और आप देखें जो कोएक्स रूट कनाल करते हैं और जो रूट कनाल जनरल डेंटिस्ट करते हैं, उनका पेशेंट बहुत खुश होता है क्योंकि दे डोंट गो फॉर पेटेंसी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पेटेंसी हर हाल में मेंटेन करनी है 1 मिलीमीटर अक्रॉस द एपेक्स। इफ दे से 1 मिलीमीटर, इट मींस 1 मिलीमीटर, नॉट मोर देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म में बेहतर होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप देखें तो अगर आप पेटेंसी करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है, और पेशेंट को पेन डिफरेंट लेवल्स पे होता है। कोई ऐसा पेन होता है, ऐसा पेशेंट होता है इसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, उसको पेन आप 5 मिलीमीटर भी एपेक्स क्रॉस करते हैं नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो ZX मोरिटा नहीं यूज करते यहाँ पे, ठीक है। दे यूज चाइनीज एपेक्स लोकेटर्स जो कि बहुत एफिशिएंट होते हैं, नियर 90% से ऊपर इनकी एक्यूरेसी होती है। बट अगेन इतने हाई लेवल का एपेक्स लोकेटर नहीं यूज करना, और रेडियोग्राफ मुझे पता है यहाँ पे सबके पास कैट स्ट्रीम का एक्सरे नहीं है, बहुत सारे लोग एनालॉग मशीन से भी एक्सरे कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डिजिटल फिल्म पे एक्सरे नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम पेटेंसी सही मेंटेन नहीं कर सकते। तो इफ यू आर लिविंग इन एन आइडियल एनवायरमेंट, यू हैव ऑल द राइट कंडीशन एंड इफ यू हैव ऑल द राइट नॉलेज, देन यू कैन गो फॉर अ परफेक्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। उसके अलावा कॉम्प्रोमाइज प्रैक्टिस ही है रूट कैनाल, ठीक है, इसीलिए रूट कैनाल्स फेल होती है। लेकिन अगर आप एक साइकोपैथ की तरह हर चीज को
प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे तो नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बहुत सारी रूट कैनाल्स करी होंगी, अपने हॉस्पिटल्स में की होंगी, अपने क्लिनिक्स पे की होंगी, और बहुत सारी रूट कैनाल्स में पेशेंट को पेन नहीं होता। तो ऐसा ही है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर सिम्टमलेस या कोई उनको सिम्टम्स डेवलप नहीं होते आफ्टर रूट कैनाल। ठीक है जी, तो ये सारा मामला था। हमने एपेक्स लोकेटर्स की बात कर ली है। एपेक्स लोकेटर्स की बात करने के बाद हम बात करते हैं कनाल एनलार्जमेंट और कनाल प्रिपरेशन की। ठीक है, कनाल एनलार्जमेंट और कनाल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, या आप नैरो एपिकल साइज रख रहे हैं या आप ये चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइड एंड नैरो एपिकल प्रिपरेशन। ठीक है, या आप नैरो एपिकल प्रिपरेशन रख रहे हैं या आप वाइड एपिकल प्रिपरेशन रख रहे हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप नैरो एपिकल साइज रखते हैं तो आपकी एडवांटेज ये है कि नैरो एपिकल साइज अगर आप रखते हैं तो आपकी रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है। ठीक है, आपकी डिसएडवांटेज ये है कि डेब्री ज्यादा एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि आप इन्फेक्टेड डेंटिन कम रिमूव करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब आप प्रिपेरेशन लेस करते हैं तो लैटरल कॉम्पैक्शन में आपको मसला होता है, इजीली ऑब्चुरेट नहीं होता, उसमें आपका वेपर लॉक हो सकता है, नीचे बबल बबल जो है वो बन सकता है और वो बाद में इशू कर सकता है। और बनिस्बत इसके एडवांटेज ये है कि आप कम टिश्यू रिमूव करते हैं, कम ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस होते हैं, और आपकी प्रिपेरेशन जो है वो टूथ जो है वो कम प्रिपेयर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। ये नैरो एपिकल साइज के एडवांटेजेस हैं, बहुत आसान एडवांटेज है, आपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नैरो एपिकल साइज दिमाग में आया तो जहन में रखें कि नैरो एपिकल साइज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है कि ट्रांसपोर्टेशन ये होती है कि आउटर कर्व से ज्यादा एक्सेस मटेरियल, एक्सेस डेंटिनल मटेरियल शेव ऑफ हो जाए। ठीक है, और एपेक्स जो था वो अगर 2 मिलीमीटर इधर था तो 2 मिलीमीटर इधर हो जाए, यानी कि ट्रांसपोर्टेड हो जाए। एपेक्स जहाँ मौजूद था वहां पे एपेक्स नहीं है, अब दूसरी जगह पे आपने एपेक्स ट्रांसपोर्टेड कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो जब आप मिनिमल एपिकल साइज प्रिपरेशन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, जब आप मिनिमल एपिकल प्रिपरेशन करते हैं तो हार्ट टिश्यू कम डेब्री कम जमा होता है एपिक्स में, जाहिर सी बात है कम प्रिपरेशन करेंगे तो कम डेंटिनल डस्ट बनेगी, तो कम स्मेयर लेयर बनेगी, तो कम जनरेट होगा डेंटिनल डस्ट जो कि एपिक्स पे बनेगा। ठीक है, जब आप एपिकल साइज छोटा रखते हैं तो एक्सट्रूजन ऑफ इरिगेंट्स भी कम होते हैं। जब आप एपिकल साइज छोटा रखते हैं तो आप डिसएडवांटेजेस पे आ जाए तो आप लैटरल कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। आपने डेंटिन कम रिमूव किया तो अगर इन्फेक्टेड डेंटिन नीचे मौजूद है, यानी कि वो डेंटिन जिसको बैक्टीरिया पेनिट्रेट किया हुआ है एपिकल एरिया में मौजूद है तो वो नहीं रिमूव हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप इंटर अपॉइंटमेंट मेडिकेशन अगर यूज करें तो इंटर अपॉइंटमेंट मेडिकेशन को प्रॉपरली प्लेस नहीं कर सकेंगे, और लैटरल कॉम्पैक्शन जब कर रहे होंगे तो लैटरल कॉम्पैक्शन भी आसानी से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये तो नैरो एपिकल साइज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है जी, वाइड एपिकल साइज की बात कर ले तो वाइड एपिकल साइज में वही एडवांटेजेस आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जब वाइड एपिकल साइज होगा तो इरिगेशन अच्छे से होगी, इन्फेक्टेड डेंटिन आप अच्छे से रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, और डिसएडवांटेज ये होगा कि वाइड एपिकल प्रिपेरेशन में प्रिपेरेशन एरर्स हो सकते हैं, और जब वाइड प्रिपेरेशन करेंगे तो आप वाइड प्रिपेरेशन को आप ऑब्चुरेट करने में आपको डिफिकल्टीज होंगी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है नैरो एपिकल प्रिपेरेशन के और वाइड एपिकल प्रिपेरेशन। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी चार्ट्स हैं और जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं उनको आपने रट लेना है, अगर आप उनको रट लेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स हैं, कनाल प्रिपरेशन की टेक्निक्स हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीजों की बात कर ली थी, हम थोड़ी सी बात जो है वो रिवाइंड आपका फास्ट फॉरवर्ड करके करेंगे। ठीक है, कनाल प्रिपरेशन में एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक होती है। स्टैंडर्डाइज टेक्निक क्या होती है कि स्टैंडर्डाइज टेक्निक ये होती है कि जब आपने कनाल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जो एक ही टेपर की फाइल है, 2% टेपर की फाइल है, उसकी उसी से आपने पूरा एपेक्स पे जाकर कनाल को प्रिपेयर कर लिया। ये होती है स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक।
कि 2% की फाइल है तो आपने 10 से शुरू की 10, 15, 20, 25 और आपने यही यही टेक्निक फॉलो की एंड तक, ठीक है। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि कोई टेपर डेवलप नहीं होता, ठीक है, डेंटिनल डेबरी बन सकती है और जब डेंटिनल डेबरी बनेगी तो क्लियर नहीं होगी तो नीचे स्मेयर लेयर जमा होती रहेगी। तो ये स्टैंडर्डाइज टेक्निक थी जिसको नहीं इस्तेमाल किया गया और अब इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। होल्ड और पता नहीं मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा है। अच्छा जी, हम फाइलिंग मोशंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये फाइलिंग मोशंस पहले भी हमने बात की थी, एक क्वार्टर टर्न पोल मोशन होता है, एक फाइलिंग मोशन होता है और एक मोशन होता है जिसको हम कहते हैं रीमिंग मोशन। फाइलिंग मोशन होता है अप एंड डाउन मूवमेंट करना फाइल की, ठीक है। रीमिंग मोशन होता है कि आपने क्वार्टर टर्न पोल मोशन कर लिया, ठीक है। और एक तीसरा मोशन है जो कहलाता है बैलेंस फोर्स टेक्निक, ठीक है जी। बैलेंस फोर्स टेक्निक क्या होती है कि आपने फाइल को इंट्रोड्यूस किया है कनाल के अंदर और कनाल के अंदर फाइल को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप 90 डिग्री टर्न देंगे उसको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स टेक्निक की, ठीक है। बैलेंस फोर्स टेक्निक में आपने कनाल के अंदर फाइल को डाला और 90 डिग्री टर्न दिया क्लॉकवाइज, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न देने के बाद आपने एपिकली पुश किया फाइल को और एपिकली पुश करने के साथ साथ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज टर्न दे दिया। 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज टर्न दिया और एपिकली कनाल को पुश किया, ठीक है। अब जब आपने क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न दिया था तो कुछ डेब्री रिमूव हुई थी, कुछ आपने शेविंग्स मचाई थी जो आपने अंदर फाइल को पेंटेड किया था। जब आपने 180 डिग्री उसको एपिकली डालते हुए उसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया तो वो सारी शेविंग्स आपकी कनाल के ऊपर लग गई हैं, फाइल के ऊपर लग गई हैं, फाइल के ऊपर लपट गई हैं और अब आप 90 डिग्री दोबारा क्लॉकवाइज रोटेट करके फाइल को रिमूव कर लेंगे। किन किन फाइल से हो सकती है बैलेंस फोर्स टेक्निक? बैलेंस फोर्स टेक्निक फ्लेक्स आर फाइल से हो सकती है, जीटी फाइल से हो सकती है और के फाइल से हो सकती है। फ्लेक्स आर फाइल से हो सकती है, जीटी फाइल से हो सकती है, ग्रेटर टेपर फाइल से हो सकती है और के फाइल से हो सकती है, ठीक है। ये तीन फाइल से हो सकती है। इसका खास बात क्या है, अगर कोई एमसीक्यू आता है तो कनाल सेंटरिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। कनाल कर्वेचर्स को नेगोशिएट करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट ऑफ कनाल्स को स्ट्रेटन कर देती है, कर्व्ड कनाल्स को स्ट्रेटन कर देती है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर ये होता है कि आप कभी भी इस टेक्निक में फाइल को प्री कर्व नहीं करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनाल को फाइल को प्री कर्व नहीं करते हैं। मैंने पहले बताया कि फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आप फाइल को, अगर ये आपकी कनाल है तो आप 90 डिग्री फाइल को रोटेट कर देंगे, ये स्टेप वन है, ठीक है। यानी कि आपने 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप फाइल को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे अप टू 180 डिग्री, यानी कि यहां से आपने रोटेट किया और यहां तक रोटेट कर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आप दोबारा फाइल को रोटेट करेंगे अप टू 90 डिग्री, ठीक है, और आप ऊपर ले आएंगे, ठीक है जी। ये प्रोसेस रिपीटेडली रहता है जब तक आपकी एपिकल एरिया पे आपकी पेनिट्रेशन नहीं हो जाती है। अगर आपने ये करते हुए विड्रॉ करते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एपिकली प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप काउंटर क्लॉकवाइज फाइल को एपिकली पुश करते हुए काउंटर क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज याद रहे कि कोई मसला नहीं है फाइल को घुमाना,
क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज फाइल कट नहीं रही होती है। याद रहे कि मैंने जो रेक एंगल समझाया था और जो सारे एंगल समझाए थे वो अगर दिमाग में याद रहे तो एक कटिंग एंगल, एक कटिंग एज था और एक ट्रेलिंग एज था। तो ट्रेलिंग एज के अगेंस्ट फाइल घूम रही होती है, फाइल का वैसे भी के फाइल का रेक एंगल नेगेटिव होता है तो कट नहीं रही होती। सिर्फ आपने एपिकली उसको डाल के काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते रहे तो आप नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्री कर्व नहीं करते इसमें, ठीक है जी, और फाइलिंग स्ट्रोक यूज करते हैं जब आप बाहर निकाल रहे हो। यहां तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो काइंडली पूछ लें। स्टेप डाउन टेक्निक, स्टेप बैक टेक्निक, हमने सब चीजों की बात कर ली थी। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि दोबारा बात ना करूं उनकी। स्टेप डाउन और स्टेप बैक में फर्क ये होता है कि स्टेप बैक में आप कोशिश करते हैं कि आप फर्स्ट कनाल को इनलार्ज करें और कनाल को इनलार्ज करने थोड़ा सा ऊपर कोरोनरी ओपन करने के बाद स्टेप बैक टेक्निक में आप जाकर नीचे वर्किंग लेंथ लें और वर्किंग लेंथ लेने के बाद आप कनाल को प्रिपेयर करना शुरू करें। 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर लेंथ को शॉर्ट करते जाएं और 0.5 मिलीमीटर शॉर्ट करते करते फाइल का साइज बढ़ाते जाएं और कनाल के मिडिल थर्ड तक आ जाएं अप टू द नंबर फाइल 60। ठीक है, उसके बाद गेट्स के गेट्स को आप यूज कर मिडिल थर्ड और कोरोनल थर्ड को फ्लेयर अप करते हैं। ये स्टेप बैक है, बेसिक स्टेप बैक। स्टेप डाउन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ क्राउन डाउन। स्टेप डाउन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ क्राउन डाउन। स्टेप डाउन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ क्राउन डाउन। ठीक है, और इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसमें आपको क्राउन डाउन और स्टेप डाउन में जो फर्क बताते हैं वो ये है कि क्राउन डाउन में आप वर्किंग लाइन पहले नहीं लेते जबकि स्टेप डाउन में आप वर्किंग लाइन पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं। स्टेप डाउन में करते क्या है कि आप वही क्राउन डाउन वाला काम कर रहे हैं, कोरोनली फ्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं नीचे जाकर एपिकली आप वही स्टेप बैक फैशन में ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, या आप कोरोन ये फाइल से करेंगे, आप एच फाइल से कोरोनली फ्लेयर कर सकते हैं या आप नॉर्मल के फाइल से कोरोनली फ्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, काम वही करना है स्टेप डाउन में क्राउन डाउन वाला ही, कि कोरोनली आप फ्लेयर करते हैं और जब कोरोनली फ्लेयर हो जाता है तो आपको स्ट्रेट पाथवे मिल जाता है टूवर्ड्स द फर्स्ट कर्व और फिर आप एपिकली जाके वर्किंग लेंथ जो आपने एस्टेब्लिश की हुई होती है उससे आप जो है वो बढ़ते हुए पीछे की तरफ आते हैं। क्राउन डाउन टेक्निक नॉर्मली रोटरी फाइल्स में यूज होती है और क्राउन डाउन टेक्निक नॉर्मली भी यूज होती है लेकिन मैनुअल फाइलिंग में भी यूज होती है, लेकिन ज्यादातर क्राउन डाउन टेक्निक जो है वो रोटरी फाइल्स में यूज होती है। ठीक है, क्राउन डाउन टेक्निक में क्या है, वही है कि आपने ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, आपने कोरोनली फ्लेयर करते हुए नीचे पहुंचना है और एपिकल एरिया तक जाना है। जिस तरह मैंने पिछली दफा टेक्निक समझाई थी सिंगल फाइल टेक्निक, सिंगल लेंथ टेक्निक जो प्रोटेबर में होती है वो एक तरह की क्राउन डाउन टेक्निक ही है, तो एक तरह की क्राउन डाउन टेक्निक है। क्राउन डाउन टेक्निक को डबल फ्लेयर टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारी टेक्निक जो आपकी पाथवेज और पल्प में दी हुई है ये बहुत ही वेग सी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आगे इसमें मिल जाएगा कि पहले क्या आई थी, फिर क्या आई थी, फिर क्या आई थी। लेकिन आपको सिंपली जो जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो स्टेप बैक का ही होना चाहिए कि आपने एक एक मिलीमीटर शॉर्टकट किया। स्टेप डाउन वही चीज है जो क्राउन डाउन है, फर्क दोनों में कोई भी नहीं है, सिर्फ वर्किंग लेंथ का फर्क है। क्राउन डाउन में वर्किंग लेंथ बाद में एस्टेब्लिश करते हैं, स्टेप डाउन में वर्किंग लेंथ पहले एस्टेब्लिश कर देते हैं, जाते वही क्राउन डाउन फैशन में ही। एच फाइल से कोरोनल फ्लेयर कर सकते हैं, गेट से कोरोनल फ्लेयर कर सकते हैं, रोटरी फाइल से कोरोनल फ्लेयर कर सकते हैं। अब क्राउन डाउन टेक्निक जो हम रोटरी फाइल से करते हैं उसमें भी हम यही करते हैं कि पहले ऑरिफिस ओपनर यूज करते हैं, ऑरिफिस ओपनर यूज करने के बाद बड़े टेपर से छोटे टेपर पे जाते हैं, यानी पहले 6% टेपर से मिडिल थर्ड तक प्रिपेयर कर लेंगे, फिर 4% टेपर से एपिकल थर्ड वाली एरिया प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप ये समझ लें तो ये इस तरह है कि ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। अब आ जाती है हाइब्रिड टेक्निक। हाइब्रिड टेक्निक ये है कि आपने डिफरेंट सिस्टम्स यूज करते हुए आपने फाइल को प्रिपेयर किया, यानी कि आपने क्राउन डाउन से ऊपर से पहले आपने कोरोनली फ्लेयर कर लिया, उसके बाद आपने 2% टेपर यूज किया, 2% टेपर से एपिकल एरिया को प्रिपेयर कर लिया,
फिर एपिकल एरिया को 2% टेपर से प्रिपेयर करने के बाद वही एपिकल एरिया को 3% टेपर से प्रिपेयर कर लिया, फिर वही एपिकल एरिया को 4% टेपर से प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह आपने क्राउन डाउन भी किया, स्टेप बैक भी किया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप जो है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हाइब्रिड टेक्निक कहलाएगी, ठीक है। इन सारी टेक्निक्स में कोई खास वजन नहीं है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले भी मैं काफी डिटेल में जा चुका हूँ। मेरा आज का फोकस जो है वो इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स है, लेकिन बस मुझे मेरा ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ कवर करवा दूँ। लाइट स्पीड टेक्निक है, लाइट स्पीड LSX फाइल से होती है, और लाइट स्पीड का तरीकेकार ये होता है कि आपने सबसे पहले लाइट स्पीड टेक्निक में वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करते हैं, फिर वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करने के बाद आप जो है वो वर्किंग लेंथ डिटरमाइन करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप 4 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द वर्किंग लेंथ जो फाइल साइज बन रहा होता है, यानी कि वो फाइल जो के 4 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द वर्किंग लेंथ फंस रही होती है, आप उसको MAF की फाइल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और वो 4 मिलीमीटर फाइल जो शॉर्ट ऑफ द एपेक्स आ रही होती है, आपने MAF की फाइल कंसिडर कर लिया उसको, ठीक है। अब आपने वो फाइल से आखिरी लास्ट 5 मिलीमीटर को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। LSX की टेक्निक बता रहा हूं मैं, LSX की टेक्निक में सबसे पहले आपने वर्किंग लेंथ मेजर कर ली, वर्किंग लेंथ मेजर करने के बाद आपने 4 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ एपेक्स जितना डायमीटर ऑफ द कनाल है आपका, वो आपने डिटरमाइन कर लिया कि इससे मैं फाइनल MAF की फाइल बनाऊंगा इसको, ठीक है। और आपने वो MAF की फाइल को आपने आखिरी 4 मिलीमीटर में यूज अप कर लिया, वो इसीलिए यूज अप कर लिया कि अब आप बाकी कनाल्स को किसी भी तरह प्रिपेयर करें, आपके जो आखिरी 5 मिलीमीटर हैं वो आपकी LSX की फाइल से ही प्रिपेयर हुई भी होंगी, और अब आप जो GP यूज करेंगे वो LSX का ही GP यूज होगा, जिसको सिंपल फिल ऑब्चुरेटर बोलते हैं। MCQ में आ सकता है कि लाइट स्पीड फाइल को किस से ऑब्चुरेट करता है, तो सिंपल फिल ऑब्चुरेटर ऑब्चुरेशन की वो है आपका ये GP पॉइंट से इससे करते हैं। इसका फायदा क्या होता है LSX टेक्निक का कि लेट सपोज ये आपकी कनाल है, ये आपकी रूट है, ठीक है। अब आपने यहां से लेकर यहां तक 5 मिलीमीटर तक ये बना लिया, ठीक है। बाद में आपका कैसा भी है फर्क नहीं पड़ता, एपिकल 5 मिलीमीटर पे आपका जो साइज है वही जो सिंपल फिल ऑब्चुरेटर की GP है वो जाकर यहां पे पैक हो जाएगी। तो इसीलिए बनाया गया सिस्टम के जो GP करेस्पॉन्ड करे आखिरी 5 मिलीमीटर को, वही GP आपकी फाइनल 5 मिलीमीटर उसी से प्रिपेयर हुआ होगा, तो एक अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे GP को, ठीक है। और आपको आखिरी पांच मिलीमीटर में लैटरल कंडेंसेशन नहीं करनी पड़ेगी। याद रहे जो हम स्टेप बैक और क्राउन डाउन स्टेप बैक कर रहे हैं, इसमें जब आपको MAF की GP आप यूज करते हैं, मास्टर एपिकल फाइल की GP यूज करते हैं, और आप पहली GP मास्टर एपिकल फाइल की डालते हैं, तो उसके साथ आपको लैटरली कंडेंसेशन करनी पड़ती है, लैटरल कंडेंसेशन करनी पड़ती है डिफरेंट GPs की। लेट सपोज अगर आपने 40 का MAF बनाया है, तो आपको लैटरली 35 की GP से पहले लैटरल कंडेंसेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको 30 से फिर 20, इस तरह ऊपर जाते जाते 20 तक जाना पड़ेगा, अक्सर लोग 15 तक भी जाते हैं। तो ये वाला सिस्टम लाइट स्पीड टेक्निक में खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये लाइट स्पीड टेक्निक थी, हाइब्रिड टेक्निक, क्राउन डाउन, सब कुछ हो गई है, ठीक है जी। हमने इनिशियल एपिकल फाइल की भी बात कर ली है, मास्टर एपिकल फाइल की भी बात कर ली है, और फाइनल फाइल की भी बात कर ली है। इनिशियल एपिकल फाइल एक चीज होती है, एक होती है मास्टर एपिकल फाइल, और एक होती है फाइनल फाइल। इनिशियल एपिकल फाइल वो होती है जो इनिशियली बाइंड करती है एपेक्स पे, MAF की फाइल वो होती है जिससे आप एपेक्स को प्रिपेयर करते हैं, और फाइनल फाइल वो होती है जिससे आप फाइनली उस फाइल को लेते हुए आप पूरी कनाल को फाइल करते हैं, ताकि जो ये रफ इन एजेस हुए हुए हैं कनाल के अंदर वो स्ट्रेट हो जाए, ठीक है जी। अब आ जाए इरीगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स पे, जो हमारा आज का टॉपिक था।
कोई बात पूछनी है यहाँ पे इससे पहले जो भी बातें हैं उसमें से कोई बात पूछनी है आपको? अच्छा जी, इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि क्या इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स होती क्या है। व्हाट इज इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स? इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स ये है कि इरिगेंट फ्लो कैसे कर रहा है, इरिगेंट फ्लो कैसे कर रहा है कनाल के अंदर, इरिगेंट पेनिट्रेट कितना कर रहा है कनाल के अंदर, इरिगेंट जब आप डाल रहे हैं, जब इरिगेंट को मार रहे हैं आप कनाल वॉल पे, तो या इरिगेंट की आप धार बना रहे हैं या पिचकारी लगा रहे हैं इरिगेंट की कनाल के अंदर, तो क्या फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कनाल वॉल के ऊपर। अगर आप इसको कंसिडर कर ले डायग्राम को, तो इरिगेंट कितना पेनिट्रेट कर रहा है नीचे तक, ठीक है, इरिगेंट कितना फ्लो कर रहा है कनाल के अंदर, कितनी फोर्सेस लगा रहा है इरिगेंट कनाल वॉल्स के ऊपर, ठीक है, और कितना एक्सचेंज है विद इन द रूट कनाल, यानी कि ऊपर नीचे कितना मूव कर रहा है इरिगेंट, एक्सचेंज कितना हो रहा है कोरोनल पार्ट में एपिकल पार्ट में, ये सब कुछ इरिगेशन हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज की हाइड्रोडायनेमिक्स यही होती है, ठीक है जी। अब एंडोडोंटिक इरिगेशन की बात करें तो इटसेल्फ इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है किसी भी चीज को धो देना, किसी भी चीज को वॉश आउट कर देना इज इरिगेशन, ठीक है, किसी वुंड को भी वॉश कर देना तो वो भी इरिगेशन होता है। इधर हम कौन सा वुंड वॉश कर रहे होते हैं? हम कनाल के अंदर को वॉश कर रहे होते हैं, जो कनाल के अंदर डेबरी और नेक्रोटिक डेबरी होता है। एस्पिरेशन क्या होती है? एस्पिरेशन है कि आपने जब इरिगेट किया उसके बाद आप खींचते हैं, एस्पिरेट करते हैं, तो वो एस्पिरेशन हो गई। डिसइंफेक्टेंट क्या चीज होती है? कोई भी एजेंट जो के जाके अंदर के बैक्टीरिया को मार दे, अंदर की कनाल के कीटाणुओं को मार दे, अंदर के कनाल के कनाल के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे, ताकि डिजीज प्रोसेस खत्म हो जाए।